रहे उम्मीद। रेलवे में 2.65 लाख पद खाली, यह स्वीकृत पदों का करीब 18%, इसमें भी 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के पद। ई रिक्शा चलाने वाले सिविल इंजीनियर को मारी गोली, पटना पुलिस मुख्यालय से 150 मीटर की दूरी पर हुई वारदात, आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका। नीतीश बोले चन्नी को पता नहीं पंजाब में कितने बिहारी, चन्नी के बयान पर सीएम का पलटवार, कहा ये लोग बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। वेरिफिकेशन शुरू न होने पर निजी स्कूलों ने मोर्चा खोला, 10 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो कलेक्ट्रेट में धरना देंगे स्कूल संचालक। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन पेपर लीक, मोतिहारी में परीक्षा से ठीक पहले परीक्षार्थियों के पास पहुंच गया क्वेश्चन, डीएम ने दिया जांच का आदेश। टीएमबीयू में पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आज से, लगातार 8 मार्च तक चलेगी परीक्षा, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने का देना होगा शपथ, नियुक्ति पत्र लेने के समय ही देंगे शपथ पत्र, 23 फरवरी को मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी नथुनी गिरफ्तार, 26 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय, नक्सलियों को भी देता था संरक्षण। महिला का सिर मुड़वा चेहरे पर काली चूना पोत कर घुमाया, दरभंगा में पंचायत ने महिला को सुनाई सजा, चरित्रहीन होने का ससुराल वालों ने लगाया था आरोप। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में लक्ष्य से कम है होल्डिंग वसूली, 17 फरवरी से 4 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर कैंप लगाकर किया जाएगा टैक्स कलेक्शन। 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं का अपहरण, सिवान जिले के युवक के खिलाफ मामला दर्ज, दोनों की साइकिल बरामद। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन सासाराम गया से निकलेगी, हाई स्पीड रेलवे ट्रैक का शुरुआती सर्वे पूरा, वाराणसी हावड़ा के बीच दौड़ेगी ट्रेन। एमबीबीएस में 6 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 250 सीटें खाली, बीसीईसीबी ने काउंसलिंग तिथि में किया बदलाव। पूर्णिया के नावेद ने बनाया बाइक एम्बुलेंस, 1 रुपए लेकर मरीजों को दे रहे सेवा, फेसबुक से मिला था आइडिया। गया में 8वीं के छात्र की स्कूल बस में मौत, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे के शिक्षक ने की थी पिटाई।